नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मुद्दा बताने के पहले एक क्लियरिफिकेशन दे दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसको मैंने डिलीट कर दिया। उसका कारण मैं बताऊं कि उसमें जो है तो एक ऐसे आदमी का नाम ले लिया गया था, मेरे से गलती से नाम ले लिया गया था जिसका नाम नहीं लेना चाहिए था, इसलिए उस वीडियो को भी रोक दिया गया है। हफ्ते भर के अंदर वो न्यूज़ बड़े धमाके के साथ आई गई। आप ये मत समझिएगा कि वीरेश सिंह किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में आ जाते हैं, उसमें थोड़ी सी हमारी गलती थी, उस गलती को मैंने माना। जब हमारे कई लोगों ने देखा तो बोला, सर एक चीज़ आप गलत बोल गए हो। उस गलत बोलने के चक्कर में मेरे को वीडियो को जो है तो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वो वीडियो को फिर दोबारा मैं जो है तो शूटिंग करके डालूंगा। और उसके जो है तो सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट को दिया है जाँच करने के लिए, वहाँ एक हफ्ते के अंदर जाँच की रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, इसके बाद मैं वो शो को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ चलता हूं। तो ऐसा मत मान लिया करिए कि मेरे को कोई दबाव या कोई राजनीति की या कोई डर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दिमाग में मत ले आइएगा, वीरेश सिंह का शो है। आज का जो शो है ना, वो अवेयरनेस का है। फिर से मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूं और ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं। ये है आरएसएस आईटीआई गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 114 स्टूडेंट की करियर की बात की है। सोचिएगा, मैं आपको इनका सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सोचिएगा, क्या 114 लड़कों की शिकायत को मैं चुपचाप कर दूं, बैठ जाऊं? अब सुनिए, इनसे हमने बात किया और कुछ गार्जियन से भी जब मैंने बात की, तो आप एक चीज़ बताइए हमको कि कितनी बड़ी चीज़ है ये कि 114 स्टूडेंट को फीस नहीं भरी गई। जब हमको बताया गया, मैंने आईटीआई वाले से बात किया, आईटीआई ने बोला कि टेक्निकल गलती है। तो मैंने कहा, भैया कैसे टेक्निकल गलती है? अगर टेक्निकल गलती, अगर फीस भर रहे हो, सर्वर बैठ जाए या कुछ हो जाए। बोले, नहीं, वो हमारे यहाँ जो काम करते थे वो बीमार पड़ गए और कोई आदमी मर रहा है तो क्या करेगा, वो फीस भरेगा कि नहीं भरेगा, तो टेक्निकल गलती। अब ऐसे में आप अपना सिर फोड़ लेंगे, नहीं समझाया जा सकता है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो समझ लीजिए क्या बात किया हूँ, और फिर इसके बाद फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप इनसे जान लीजिए, इनकी सुन लीजिए, क्योंकि मेरा काम है अवेयरनेस करना और सच दिखाना और सबूत दिखाना। तो ये आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आरएसएस आईटीआई से बोल रहे हैं जी? बोल रहा हूँ। शुक्ला जी? हेलो। हाँ शुक्ला जी, नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। आईटीआई कहाँ से? आईटीआई टॉक शो से, आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जी। बताएं सर, 114 लड़कों ने मेरे को बोला है आपके यहाँ से, क्या है कि इनका सीबीटी एग्जाम की फीस नहीं जमा हुई, क्या कारण क्या है? कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है कि सीबीटी की प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाया है। अच्छा, तीन लोगों का एग्जाम जो है, नेक्स्ट एग्जाम के साथ में ये भी एग्जाम हो जाएगा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के साथ में हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें डीजीटी वाले की गलती है कि आईटीआई की गलती थी, कि मतलब आपने फीस जमा किया था? मैंने सब कुछ किया था। H1 H2 नहीं हमारे यहाँ से भरा गया था। हाँ, एक्चुअली जो हमारे वहाँ कॉलेज पे काम करते हैं, उनकी उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, उस चक्कर में वो जो है ना हमको हटा पाए न वो कर पाए। ठीक है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। हाँ, तो इसके लिए जो है ये हुआ है कि भाई बच्चों का जब प्रवेश पत्र नहीं आया तो वो परीक्षा तो दे नहीं पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, इसी की बात है, जब भाई प्रवेश पत्र ही नहीं आया तो परीक्षा कहाँ से देंगे। सही बात है। ये हुआ कि भाई लॉस तो दोनों साइड से हुआ, बच्चों का भी हुआ, कॉलेज का भी हुआ। बट ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सबको जो है फिर से परीक्षा दिलाई जाएगी। नहीं, वो तो दिलाई जाएगी सर, वो तो जब लेफ्ट ओवर या सप्लीमेंट्री वाली आएगी तब दिलाया जाएगा, वो तो दिलाया जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या इसमें डीजीटी का है, तो फिर मैं डीजीटी से बात करता। लेकिन सवाल ये है कि डीजीटी से जब मैंने बात किया है आपका, तो वहाँ मेरे को बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब आपने ही बता दिया कि H1 H2 आपका भरे नहीं है। ये तो फिर सर टेक्निकल इशू कहाँ हुआ? ये तो फिर कॉलेज की लापरवाही हुई ना। ये टेक्निकल इशू ही हुआ, अगर अगर कॉलेज का बंदा मर रहा हो
नहीं, देखिए वो नैतिकता की बातें एक अलग चीज़ हो गई, वो टेक्निकल में नहीं आता है सर। टेक्निकल इशू के कारण ये होता है कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर बैठ गया, वो हो जाता है। वो ये टेक्निकल इशू में ही आ गया कि कॉलेज से फॉल्ट या डीटी से फॉल्ट या सर्वर से फॉल्ट, ये टेक्निकल इशू में ही आ गया। आप सबको हम जिस तरह से आप क्लियर कर बता दिए, हम सबको ये समझा के तो चलेंगे नहीं। पिछले 8-9 साल ये जनाब क्या बोल रहे हैं। अब इनकी एक चीज और देखिए, ये सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको पता। तो ये 114 लड़के कहाँ हैं? अरे 114 बच्चे हैं, घर पे आए हैं सब। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? इन लोगों को मालूम नहीं है, लोग कैसे बात छक्का कहें, कहाँ जाएंगे? तो आप लोग फर्स्ट ईयर के लड़के हो कि सेकंड ईयर के हो? सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों मिला के 114 है। हे भगवान, तो तुम लोग वहाँ गए क्या कहते हैं डायरेक्टर के पास मिलने गए, प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास? हाँ सर, हम लोग गए तो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं करवाए। हाँ बोला बाबू परीक्षा दे लो प्रैक्टिकल वाला। हाँ बाकी सीबीटी परीक्षा का भी टाइम है। हाँ। तुम लोग का पेमेंट हो नहीं पाया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पेमेंट हो जाएगा, तो लोग का परीक्षा करवा देंगे। लेटर आया है 7-8 में दिखा रहा है, अगस्त में। अगस्त में परीक्षा होगी तुम्हारी? हाँ 7-8 में। हे भगवान, परीक्षा अगस्त में कहाँ से है? सर लेटर तो हम लोग के पास है, आपको भेज रहा हूँ, देख लीजिए। कह रहा कि इसी लेटर में सब बच्चे उसके ग्रुप में डाले हैं, मतलब सब बच्चे के सामने है। और अभी प्रैक्टिकल कब हुआ है? ये 6 तारीख है, सब आपके घर कर रहे हैं, परीक्षा हो जाए तो फिर बाहर जाएंगे। गजब हो गया है यार, गजब हो गया है आईटीआई वालों का यार, और लड़कों का भी। ऐसे कैसे, मैंने सीबीटी का फीस ही नहीं जमा किए हैं, और वो भी बताओ 114 लड़के यार, जिंदगी बर्बाद, और कोई लड़का कुछ नहीं बोल रहा है। लड़के पे सर पूरी जानकारी नहीं है ना, क्या बोलेंगे? एक परीक्षा हो गई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेटर में सर आपको भेज दिया हूँ, देखता हूँ। मैंने अब्सेंट आएगा इनका, वही दोबारा एग्जाम देंगे तो सप्लीमेंट्री ही मानो उनको, और क्या। सर दोबारा एग्जाम में जब एग्जाम होने दिया तो मेन में नहीं आएंगे, सप्लीमेंट्री में आएंगे। क्यों, जब प्रैक्टिकल दे दिए तुम, जब प्रैक्टिकल दे दिए और दूसरे में जो है तो तुम अब्सेंट हो, तो अब्सेंट को क्या कहते हैं? सर प्रैक्टिकल दिए, हम जाकर सरगमा पता किए, वो कह रहे कॉपी भी नहीं जमा हुई है, केवल वो आपको संतुष्ट करने के लिए किया गया है। बच्चों को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? राजकीय आईटीआई वाले बोले कि आपके वहाँ के बच्चों की कॉपी नहीं जमा हुई है। हाँ। अब आप लोग परीक्षा करवाए हैं तो परीक्षा ऐसे ही करवाए हैं। मेरे पास एनसीबीटी का एससीबीटी का दोनों का अधिकार रहेगा, तभी तो हम कॉपी जमा करेंगे। माने इसका मतलब ये है कि ये परीक्षा भी जो है तो फर्जी करवाई गई है? हाँ सर, यहाँ पे एनसीबीटी का अधिकार नहीं था इनके पास, कोई एससीबीटी का अधिकार था। अरे वही तो बात है ना, खर्चा तो एग्जामिनर क्यों आ गया? एग्जामिनर आया था। एग्जामिनर बोला कि हमको रात की आईटीआई से भेजा गया, हमारी ड्यूटी लगी है। वो आया और पैसा लिया। अब भी ना समझ में आया हो तो एक और चीज़ बताता हूँ। इन्होंने एक टाइम टेबल दे दिया बच्चों को, और वो टाइम टेबल था किसका, CITS का, RPL का। बच्चों को पता ही नहीं कि CITS का एग्ज़ाम अलग होता है और ITI का एग्ज़ाम अलग होता है। उसका जो है तो टाइम टेबल अगस्त में है, 16-17 तारीख तक। तो लड़कों को उलझा करके बैठाया गया कि आपकी परीक्षा जो है तो अगस्त में होगी। इसलिए मैं कहता हूँ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये भी थोड़ा सा देख लीजिए आप कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आप ये देख रहे होंगे। इस डेट को लड़के अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया जो है तो क्या होगा, परीक्षाएं होंगी।
सोचिए आप कितना बड़ा अपराध। और सुनिए, जब इस आदमी ने ये बोला कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम करवा लिया गया, SC/BT से अलाउ हो गए हैं, NC/BT में अलाउ नहीं हुआ है, तो इन्होंने गांठ जोड़ करके कुछ इधर उधर करके गवर्नमेंट ITI के टीचर को बुला करके, जैसा भी हो मैं आरोप नहीं करता, जैसे लड़के बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम करा लिया गया लड़कों को ताकि ये चीज़ें ना पता चले। अब इन लड़कों का स्पेशल एग्जाम होगा, इनके कहने के अनुसार ये जो दिया है कि लड़कों का स्पेशल एग्जाम होगा, लेकिन जब उन लड़कों को ऐसे भ्रमिक जो है तो चीज़ें बताई गई कि आपके जो है तो अगस्त में होगा, ये सोच रहे थे कि खुल जाएगा, अब खुल जाएगा खुल जाएगा। अब आप इसी चीज़ को बताइए कि अब कहाँ DGT खोले, अगर DGT खोलती है तो इस तरह के लोग जो है तो जो फर्जीपन करते हैं वो मजा मार लेंगे, और बाकी जो अच्छी ITI है वो बेचारे चले जाएंगे। तो आप ही बताइए कि क्या सही है DGT को पोर्टल खोल देना और एग्ज़ाम करवा देना। कहीं ना कहीं पे तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ इन सब मुद्दों को उठाने के लिए। फिर देखिए ITI वाले ने स्टूडेंट को क्या बोला कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, जब लड़कों ने कुछ मेरे से जब मैंने पूछा तो लड़कों को बोला कि आप नोडल में जाइए, तो जब लड़के नोडल गए वहाँ पता चला कि नोडल के अधिकारी ने कहा कि उनकी तो कॉपी ही नहीं जमा है, और उनकी कॉपी क्यों जमा होगी, उनकी कॉपी क्यों जमा होगी। सवाल ये है, बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके सामने छोड़ करके जा रहा हूँ, और छोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं, अपने सभ्य समाज के लिए ये कितना अच्छा है और ITI की सेहत के लिए कितना ये ख़राब है और कितना ये अच्छा है। ऐसे पोल ना खोला जाए तो सोचिए फिर क्या किया जाए, क्या बैठ करके ताली बजाया जाए या और यूट्यूबरों की तरह से गलत अफवाहें फैलाई जाए, या फिर कोई PDF की फाइल डाउनलोड करके उनको पढ़ाया जाए। हमारा काम ही है अवेयरनेस करना, और मैं इसी से अवेयरनेस करता हूँ, कम से कम ये 114 लड़कों को अवेयरनेस हो गए, हमारे लिए यही बात है कि वो कम से कम लड़के इसलिए तैयारी में हो गए कि अपना ये जानेंगे। जबकि मैं बता दूं कि मेरे चैनल सोना देखने के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है। अब कहेंगे भाई साहब आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं, आपको पता होगा कि 2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले मैं ये चीज़ बोला था हर एक लड़के से, हर एक ITI वाले से कि लड़कों फीस जमा करिए और जा करके अपने सामने फीस जमा करवाइए, उसकी रसीद लीजिए, उसने एलिजिबिलिटी किया है कि नहीं किया है, उसने SC/BT पे अलाउ किया है कि नहीं किया है, उसने NC/BT पे अलाउ किया है कि नहीं किया है, उसने H1 H2 भरा है कि नहीं भरा है। अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो इस बार ITI वाले से अगर कोई गलती हुई तो उसका परिणाम आपको भोगना है। लड़के इसको हंसी मजाक में ले लिए कि ऐसा थोड़ी होता है, अब परिणाम भोग रहे हैं। और कितने लड़के हैं, 1.5 लाख लड़के हैं, सोचिए 1.5 लाख से ऊपर हैं आंकड़े ये। अब सोचिए आपको ये ITI टॉक शो न देखने का, अवेयरनेस न होने का कितना बड़ा खामियाना भुगत रहे हैं। अब लड़के कहते हैं सर क्या करूं, बहुत सारी चीज़ें आज हमको अभी पता चली हैं, इसके पहले आपके शो के बारे में पता नहीं चला है, अगर शो के बारे में पता चलता तो सर हम लोग कुछ करते। अब लड़के कह रहे हैं कि सर कोर्ट कचहरी जाएं क्या करें, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि कोर्ट कचहरी जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अब्सेंट आओगे, अब्सेंट क्या है, भगवान ही मालिक है कि क्या आप होंगे, अगला जब अभी एग्ज़ाम जब होगा तब आप अपनी तैयारी करिए और अपनी फीस। अब सब लड़के ये कह रहे हैं कि पूरी फीस जमा भी है, या इस लड़कों की यहाँ की किसी की फीस बाकी नहीं है, ना यहाँ एग्जामिनेशन की फीस बाकी, सारी फीस वसूली कर ली गई, लेकिन कहते हैं कि मानवीय गलती के कारण ऐसे हुआ है। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि मानवीय गलती हुई है, लेकिन इसका जो है तो परिणाम कौन भुगत रहा है, इसकी सज़ा कौन भुगत रहा है, क्या ITI वाला भुगत रहा है। अब ITI वाला कहता है कि साहब गलती तो हो गई है, क्या हमको फांसी चढ़ा देंगे, भैया फांसी तो यहाँ मर्डर और बलात्कार करने वालों को नहीं होती है, तो आपको क्या होगी, ठीक है ना। अब ये लड़के हैं बेचारे, करेंगे तो क्या करेंगे, अब मेरे पास आए हैं, किसी ने बताया है, तो इनके मुद्दे को उठाना और इनको जो है तो तसल्ली देना मेरा काम। अब क्या बचा है, कुछ ही नहीं, तसल्ली ही बचा है आपको, तो तसल्ली लीजिए मेरे से, खुश रहिए और आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगली बार फिर ये मानवीय भूल हो गई, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे और मानवीय भूल हो गई
तो फिर क्या करिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जागिए, जागना पड़ेगा। अब इसी में से कोई उठ करके डीएम के यहाँ शिकायत कर दिया होता, पुलिस में शिकायत कर दिया होता, कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दिया होता, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अब ये डीजीटी का मामला नहीं है, डीजीटी का और स्टेट का मामला यही नहीं है कि जब आईटीआई वाले ने खुद किया ही नहीं है, आपको इस लायक समझा ही नहीं है, तो फिर क्या करे कोई, और हम भी क्या करें। अब जो भी कुछ हुआ है उसको आप स्वीकार करिए और चलिए। मैं आप हमारा एग्जाम के पहले पहले का भरने वाले का वीडियो उठा करके देख ली, जब मैं चिल्ला चिल्ला करके ये चीज़ें सारी चीज़ें बता रहा था कि भैया ऐसे कर लीजिए, तो लड़के बोलते थे, कई लड़के बोलते थे, कई आईटीआई वाले बोलते थे, सर दूसरा प्रोग्राम दिखाइए ना, क्या वही रोज़ रोज़ प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इतना तो आईटीआई करते हैं तो जानते हैं ना हम लोग। ये हंसी वाली बात नहीं है, मैं जानता था कि तुम जानते हो, बाकी नहीं जानते हैं ना, बाकी भाई नहीं जानते हैं ना। अब 114 लड़कों के लिए आप लोग क्या कहोगे, उन लड़कों से भी सवाल कर रहा हूँ जो मेरे से सवाल करते हैं, और उन आईटीआई वालों से भी कि सर ये क्या हो गया, आप क्यों ऐसे वीडियो बना रहे हो, आप कुछ आगे का बनाइए, क्यों वही वही चीज़ दिखा रहे हो। अरे आईटीआई वाला है, वो अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा। अब कल ही का प्रोग्राम का मैं आपको बात करूं, कल मेरे पास आई बहुत सारी चीज़ें मथुरा से, आगरा से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, और कई तो महाराष्ट्र के भी हैं लड़के, साउथ के भी लड़के हैं, कि उनको जो है तो प्रैक्टिकल में एग्जाम में बैठा दिया गया, सीबीटी के परीक्षा में उनको नहीं बैठाया गया। इसके बाद जो है तो कई लड़कों के सीबीटी का ऑनलाइन निकाल लिए, कल दिखाएंगे हम आपको, ऑनलाइन निकलवा दिए हैं और प्रैक्टिकल का जो है ना एब्सेंट कर दिए गए हैं, जबकि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, उसको क्या बोले कि अब अगली बार बैठना। कारण क्या, लड़के की फीस बची थी। अब फीस बची है तो यार, तो आईटीआई वाले के पास एक हथियार 80% और अटेंडेंस का है, और इसका तो आया है, और मैं यही आपको जगाने आया था और आप लोग जगे नहीं, उसका परिणाम ये हुआ, आप लोग जगे नहीं, उसका परिणाम ये हुआ कि आज लाखों लड़के आईटीआई करने से वंचित रह गए। ये सब कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ, आप सोचिएगा कि कहाँ जा रहा है हमारा आईटीआई समाज, और कहाँ जा रहा है हमारे युवा, और कहाँ जा रहे हैं आने वाले भविष्य वाले। बहुत दर्द होता है साहब। चलिए आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये आईटीआई टॉक्सों को शेयर करिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए, और लोगों को बताइए इसके बारे में कि अवेयरनेस हो। मैं जो है तो सिर्फ खबर दिखाता हूँ, झूठी खबर नहीं, मैं सच दिखाता हूँ और अवेयरनेस करता हूँ, यही मेरा काम। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत अच्छा हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।